नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हम लोगों को 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है NaOH का 100 ml वाटर में, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी कि हम लोग कितना ग्राम NaOH डालेंगे 100 ml वाटर में ताकि जो मेरा सोल्यूशन बने वह 0.1 नॉर्मल का बने। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहें इसको फॉर्मूला से निकालने के लिए, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। दोस्त, जो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम लेंगे वह ML में लेंगे। ठीक है, ठीक है। और दोस्त, हम लोग बात करें सोल्यूट का, तो दोस्त यहाँ पे जो सोल्यूट है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। ठीक है, तो हमको निकालना है सोल्यूट का वेट निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू ग्राम इक्विवेलेंट इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। ठीक है, तो हम लोगों को जैसे कि दिया हुआ है 0.1 नॉर्मल। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मलिटी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 0.1 नॉर्मल इंटू, तो जो NaOH का जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो 40 होता है। कैसे, मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि अगर किसी भी कंपाउंड का अगर हम लोगों को निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट, तो उसके वेट को हम लोग उसके एसिडिटी या बेसिसिटी से क्या करते थे, डिवाइड करते थे, तो उस कंपाउंड का ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता था। ठीक है, तो ठीक उसी तरह जैसे कि NaOH है दोस्त, वह क्या है यार, यह एक बेस है, इसलिए दोस्त इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एसिडिटी निकालेंगे। तो दोस्त जो NaOH का जो एसिडिटी होता है वह 1 होता है, इसलिए इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा दोस्त वह 40 होगा इंटू 100, यानी कि जितना ML में हमको सोल्यूशन बनाना है वहाँ पे उतना हम लोग वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, अपॉन इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, तो दोस्त इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरा वेट आएगा वह 0.4 ग्राम आएगा। यानी कि दोस्त हम लोग 0.4 ग्राम को जब हम लोग 100 ml वाटर में डालेंगे तो जो मेरा सोल्यूशन बनेगा वह 0.1 नॉर्मल का बनेगा। ठीक है, ये तो हमने फार्मूला से निकाला। ठीक है, अगर हम लोग चाहें दूसरा मेथड अप्लाई करके निकालने के लिए, तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग क्या बनाना है दोस्त, अगर मान लीजिए कि एक नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, एक नॉर्मल हम लोग को सोल्यूशन बनाना है NaOH का। ठीक है, तो जैसे कि NaOH का जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है दोस्त कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, 40 ग्राम होता है। जब दोस्त हम लोग 40 ग्राम को 1000 ml वाटर में जब हम लोग डिजोल्व करेंगे तो जो मेरा सोल्यूशन बनेगा दोस्त वह 1 नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को कितना निकालना है दोस्त, हम लोग को 0.1 नॉर्मल में निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जब हम लोग इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो 1 नॉर्मल है वो कितना हो जाएगा, 0.1 नॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0.1 नॉर्मल इज इक्वल टू, और जो 40 ग्राम है दोस्त इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये 4 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 ग्राम कितना ML में हो जाएगा दोस्त, 1000 ML में। ठीक है, तो हम लोग कितना हम लोग मतलब ML में हम लोग बनाना है, यानी 400 ML में हम लोग क्या करना है, 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन को बनाना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे 1000 ML है इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे दोस्त। जब इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 ML हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 ML ये हो गया। ठीक है, तो जो 4 ग्राम है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्त जब हम लोग क्या करेंगे, 0.1 नॉर्मल और सोल्यूशन हमको बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, 0.4 ग्राम को 100 ML वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, वह 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा। हम लोग इस मेथड से भी इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्त ये आज के वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।